हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीति में पीएचडी माने जाने वाले चौधरी भजन लाल की विरासत संभाल रहे हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले कुलदीप बिश्नोई की सियासी राह कठिन होती जा रही है। उनके क्षेत्र के बीजेपी नेता जिस तरह से कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं उससे तो यही माना जा रहा है। आज संघ प्रचारक से लेकर क्षेत्र के कई कद्दावर नेताओं ने चंडीगढ़ में कांग्रेस की राह चलने का फैसला लिया। कलायत से पूर्व विधायक बनारसी दास बाल्मीकि, आदमपुर से सुखबीर डूडी पूर्व चेयरमैन, बीजेपी नेता सोमवीर लांबा, बीजेपी टिकट के प्रबल दावेदार रहे ओबीसी नेता हनुमान वर्मा, आरएसएस प्रचारक कुलदीप काजला, बीजेपी किसान मोर्चा के नेता रमेश कुमार मंडल अध्यक्ष, दर्जनों पार्षदों, सरपंचों व कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं समेत बड़ी तादाद में बीजेपी जेजेपी व अन्य दलों के नेता कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद देवेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा। वहीं आदमपुर और हिसार से लगातार कांग्रेस में हो रही ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग से उत्साहित दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। आदमपुर में जिस तरह से लोगों का रुझान और समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है वह बताता है कि पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई से हल्के की जनता खासी नाराज है। कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी जिसके चलते कांग्रेस के अजय माकन की हार हो गई थी। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा देते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली थी जिसके चलते आदमपुर में उपचुनाव होने हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि उनकी कुलदीप बिश्नोई कार्यशैली और हलके में उनकी गैर मौजूदगी से जनता में रोष है। उन्होंने हलके के विकास के बारे में न कभी कोशिश की और न ही कभी संघर्ष किया। यही वजह है कि आज आदमपुर में आधारभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। सड़कों में गड्ढे और जलभराव जैसी समस्याओं से लोग परेशान हैं। जनता कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस अवसर पर राज्य की खट्टर सरकार पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले इस सरकार ने खेती को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया, फिर सेना में ठेका प्रथा की शुरुआत की और अब सरकार शिक्षा तंत्र को भी निजी हाथों में सौंपने के मिशन पर आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि चिराग योजना के बाद सरकार ने रैशनलाइजेशन पॉलिसी लागू की है। स्कूलों के लिए यह व्यवस्था इतनी घातक है कि तमाम शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को सड़क पर उतरकर इसका विरोध करना पड़ रहा है। कांग्रेस भी हर मंच और हर मोर्चे से इस नीति का विरोध करेगी क्योंकि यह दलित, पिछड़े, ग्रामीण, गरीब और किसान वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का फैसला है। न्यूज डेस्क के साथ जे न्यूज 24 की रिपोर्ट।